तो विन ग्लास का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आया। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सारे नाइट लॉग में जीरो है। फिल्टरिंग करते हुए और हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। एक नंबर, गला कट गया और डेथ भी हुई है। ये है उनकी दवाई। गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटर रॉकी। आज है 11 जनवरी और टाइम हुआ है 9:38 एंड एज यूजुअल हम अभी जा रहे हैं ऑफिस। गुड मॉर्निंग हॉर्सी। अपनी संडे राइड वाली वीडियो में जो विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम तो मैंने सॉर्ट कर दिया। उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि बार बार डेट के निकालने और लगाने में लूज हो गया था, तो अभी उसको रबर बैंड से टाइट कर दिया है। तो अभी हाई स्पीड पे विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और ये हमने कल के व्लॉग में ही चेक किया था, तकरीबन 50-55 तक खींचे थे तो विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आया था। थोड़ा बहुत नॉइस डिस्टॉर्शन का है लेकिन उसके लिए भी अभी वापस से टेप मारा है। नॉइस डिस्टॉर्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है और विंड ब्लास्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। चलिए तो हम ऑफिस से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं अपने अंकल के यहाँ, थोड़ा काम है। अभी भी ना लोग कैमरे को हेलमेट पे देख के सरप्राइज होते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं यार। कल रात को जब पेट्रोल पंप से निकला था और ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था तो ऑटो वाला झुक झुक के एकदम से देख रहा था। बाद में मैंने उसकी तरफ मुंह करके बोला कि हाँ भाई ये कैमरा है। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आती है। हालांकि वो क्लिप मैं वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। और ये क्या, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एक्शन कैमरा नाइट व्लॉग में बहुत मार खाता है। कोई भी टॉप ऑफ द नॉच ब्रांड ले लो या हल्की क्वालिटी वाला कोई भी ले लो, सारे नाइट व्लॉग में ज़ीरो है। फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूं कि आपको ठीक ठाक नाइट व्लॉग मिल जाए, नाइट व्लॉग भी मिले। मैं चाहता तो रात को मीन शाम को ही मैं एंड कर दूं, पर नहीं, नाइट को भी अच्छा लगता है व्लॉग करना। 5 hours later. अभी बजे है 5:18 एंड वी आर गोइंग टू ऑफिस। सुबह हम अपने अंकल के यहाँ से घर आ गए थे, उसके बाद भी नज़दीक में एक दो काम थे जो फिनिश अप किए, लेकिन डिस्टेंसेस काफ़ी शॉर्ट थे तो व्लॉग नहीं बनाया। और अभी हम जाएंगे ऑफिस और वहाँ से कुछ ही देर में निकल जाएंगे अपने मैकेनिक के यहाँ, थोड़ा काम करवाना है। एक तो अपना साइड लाइट, जो लेफ्ट साइड वाला पीछे का साइड लाइट चल नहीं रहा है उसको सही करना है, और दूसरा इसका साइड स्टैंड। साइड स्टैंड शायद टूट गया है या कुछ हुआ है, और साथ ही में अपने कॉफ़ी डेट के लिए दवाई भी लेनी है। शाम को अपने कॉफ़ी डेट के फैमिली डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और वहाँ से दवाई लेके उसको घर पे पहुँचाएँगे। तो आज तो नाइट व्लॉग भी आने वाला है, यानी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लास्ट टाइम जो एक्शन मिस हो गया था आज उसका पूरे पूरा मज़ा लेंगे। ये धीरे धीरे अपना फिल्टरिंग वाला स्पॉट बनता जा रहा है, यहाँ पर फिल्टरिंग करने की बहुत मज़ा आती है और आसानी से कर भी सकते हैं। ये देखिए हम जा ही रहे फिल्टरिंग करते हुए। नो गर्ल्स, थैंक यू। अब ये कहाँ जाएगा, खुदाई करने। बिल्कुल
बिल्कुल सही लिया भैया, एक नंबर। तो क्या बोलती पब्लिक, सही था वो? Many, many minutes later. चले हम ऑफिस से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने मैकेनिक के यहाँ और बजे है शाम के 6:13। We are already late क्योंकि ऑफिस पे भी एक विजिटर आया था, एक पहचान वाले आए थे जिसके साथ थोड़ा बातचीत में टाइम निकल गया। But that's okay. हम अभी जाएंगे सबसे पहले अपने मैकेनिक के पास और उसके बाद दवाई लेने। चलते ही रहते हैं भैया, अपना गली अपना घर अपने पास ही है और हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। Many, many minutes later. Actually, मैकेनिक के यहाँ गए थे, वहाँ तो थोड़ा टाइम लगने वाला था तो हम निकल लिए और अपने कॉफी डेट के फैमिली डॉक्टर के पास से भी दवाई ले ली है। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं कॉफी डेट के यहाँ उसको दवाई देने के लिए। और कॉफी डेट की तबीयत की बात करूँ तो अभी तो अच्छा है उसको, ही इज़ रिकवरिंग, बट क्वारंटाइन तो होना ही होना है, मिनिमम 8 to 10 days। तो शायद हो सकता है मकर संक्रांति के बाद ही वो हमको मिले। तो यस, अभी हम जाएंगे सीधा कॉफी डेट के घर। इसी बहाने काफ़ी अच्छा नाइट व्लॉग भी हो जाएगा। कल वाला वीडियो देखा था क्या, सारा दरवाजे वाला भारत पेट्रोलियम का आउटलेट? तो मेरे ख्याल से शायद ऑनलाइन पेमेंट पे ही ये ऐसा करते हैं, 5% एक्स्ट्रा देते हैं, कैश पेमेंट पे शायद नहीं देते। चले वो तो अभी बाद में जब वापस हम डलवाने जाएंगे उस टाइम पे देखेंगे, अगर कैश पेमेंट में नहीं देते तो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे पेटीएम के थ्रू। ये देखिए ये लाइफ हैक काफ़ी काम की चीज़ है भैया, ये देखिए और एक बार। ये सब है लाइफ हैक्स, पतंग के धागे से, पक्के धागे से बचने के लिए, क्योंकि हमारे शहर में आई थिंक हर एक शहर में जहाँ पर पतंग उड़ाते हैं, जहाँ पर काइट फ्लाइंग होती है, वहाँ हर एक शहर में ये दिक्कत होती होगी कि पतंग का मांजा, जो पक्का घिसा हुआ मांजा जो होता है, धागा जो होता है, वो रोड पे आ जाता है और कई बार राइडर के गले में फंस जाता है। तो हमारे यहाँ काफ़ी इंसिडेंट्स भी हुए थे जिसमें किसी का कान कट गया, यस कान भी कट जाते हैं, किसी के मुंह छिल गया, मुंह कट गया, किसी के गला कट गया और डेथ भी हुई है। तो यही सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसे हैक्स यूज़ करते हैं हमारे यहाँ। 14 जैन को है मकर संक्रांति, तो बस तो अभी देखो 4-5 दिन पहले ही चालू हो जाता है। बहुत साल पहले अपने पर भी एक आया था धागा, यस पतंग का धागा आया था, लेकिन कुछ गाल पे मेरे को जस्ट एक स्क्रैच हुआ था और उसके साथ में ही कान में जो हेडफोन पहने थे वो हेडफोन का वायर कट गया था, और तो कुछ नहीं हुआ। तो यस दिस कैन बी अ वेरी डेंजरस। एनीवेज बहुत सारी टॉकिंग हो गई, अब फिल्टरिंग एंड स्पीडिंग होगी।
लेकिन आज थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है। नो प्रॉब्लम, ये देखिए आगे कितनी सारी कार्स। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम अभी पहुंच चुके हैं कारगिल चौक। लाइन पे मत चला यार, लाइन पे चलाने की बड़ी गंदी आदत है मेरे को। संडे वाले ब्लॉग में भी मैंने एक बार लाइन पे चलाया था तो मैं चिल्लाया भी था, शायद इतना जोर से चिल्लाया था कि वो ऑडिबल नहीं था। कई लोग मिस कर गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो वीडियो में तो है ही है, पर कई लोग मिस कर गए होंगे कि मैं क्या बोला था, किस बात पे मैं चिल्लाया था। या अरे भाई आप ही सोचो, 70s-80s की स्पीड में हो और आप ये वाइट, ये जो लाइन है उसके ऊपर चला रहे हो, और जिसके एक एंड पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि उस रिफ्लेक्टर से आप बाउंस हो सकते हो इतनी हाई स्पीड पे, इसीलिए मैं ये बोल रहा था। ये हम अपने कॉफी डेट के घर आ चुके हैं और ये है उनकी दवाई, तो हम इसको रख देंगे संभाल के बाहर। ये रख दिया यहाँ पे, अब उसको कॉल करके बता देंगे तो हम अभी निकल जाएंगे। चले, कॉफी डेट को कॉल करके भी बता दिया है कि दवाई रखती है और उन्होंने ले भी ली है और उनको समझा भी दिया है कि कैसे लेना है, तो दैट्स इट। अभी हम जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि टाइम हो चला है 7:17। या चलिए, तो इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, इट इज टोटली फ्री। चलिए मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। Fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good?